अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो होगी बहुत ही एक बेसिक वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको आई मेकअप करने के लिए वो कौन से बेसिक ब्रशेस चाहिए जो कि हर आई मेकअप आप उसी ब्रशेस से क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर वैनिटी में बहुत सारे आई मेकअप करने के लिए बहुत सारे ब्रशेस होते हैं जो कि आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रश यूज़ करें। इसलिए आज का इस आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ चार ब्रशेस की ही ज़रूरत है जिससे कि आपका टोटल कौन से भी डिफरेंट आई लुक्स का मेकअप आप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये चार ब्रशेस ही आपको बहुत आपकी वैनिटी में ऐड करना होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से चार ब्रशेस है। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, वो जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से आई ब्रशेस खरीदे हैं और तरह तरह के वीडियोस देखते रहते हैं, वो सारे कंफ्यूजन उनको और क्रिएट करते हैं। बस ये वीडियो देख लीजिए, सिंपली आपको बहुत सारा इजी से अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। और इस ब्रशेस का भी लिंक मैंने कहाँ से परचेस किया उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको ये आई मेकअप के ब्रशेस मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके हेयर हुडेड है, स्मॉल है या कि डीपली है, तो उनके लिए ये ब्रशेस परफेक्ट है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं ये चार ब्रशेस ही आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी आई मेकअप के लिए। आप चाहे इसमें सनसेट का भी लुक क्रिएट कर सकते हैं, पार्टी आई मेकअप का भी लुक क्रिएट कर सकते हैं, आपके ब्राइड्स के ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये ब्रशेस आपके लिए होंगे बहुत ही परफेक्ट। और ये ब्रशेस मैं अमेज़ॉन से परचेस किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसके चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मैंने इसे परचेस किया। ये देख लीजिए, इन ब्रशेस को आप देख ले सकते हैं। ये पैपिलियोना के 4 ब्रशेस आई शेडो ब्रशेस हैं और आप देख ले सकते हैं। एक एक करके मैं इनको डीपली बता दूंगी और इस ब्रशेस से ही मैं आपको एक डेमो भी बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस ब्रशेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ब्रशेस किस तरह से दिखते हैं और इसके जो हेयर्स हैं स्मूथ, इसका टेक्सचर कैसा है और ये हमारे स्किन पे कंफर्टेबल है नहीं है, और इसकी ब्लेंडिंग परफॉर्मेंस किस तरह से है, इसकी आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रश है ये देख लीजिए, इस तरह के होते हैं। ये स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये इस तरह से होते हैं। और ये ब्रश जो है आपको क्रीज लाइन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है और क्रीज लाइन को अच्छे से जो ब्लेंड होता है ना प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए इस ब्रश को आप यूज़ करना चाहिए। ये देख लीजिए आप, इस तरह से इसका हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स, और इसकी जो मैं बात कर लूँ बहुत ही स्मूथ, इसके जो हेयर्स जो है बहुत ही स्मूथ है और हमारे स्किन पे बहुत ही कंफर्टेबल है, हार्श नहीं है, बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग देगा आपको। तो ये रहा हमारा स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। अब सेकेंड ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एक एंगल दिख रहा है। तो ये एंगल्ड फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है और ये कहाँ पर आपको यूज़ होगा मैं आपको बता दूँ। अगर आप कुछ आई शेडो बिना ब्लेंडिंग के बस टैप कर कर आप लगाना चाहते हैं तो उस तरह से ये ब्रश आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। और आप देख लीजिए इस तरह से इसका लुक रहता है। अब थर्ड ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब थर्ड ब्रश जो है इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो है थोड़ा सा लार्ज साइज़ में सेम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है। ये टोटल आपकी क्रीज लाइन के बाद जो आई शेडो आई लिड जो होती है ना इस तरह से उसको ब्लेंड करने में हेल्प करेगा आपको। जो प्रोडक्ट्स को अगर आप 2 कलर्स स्मोकी आई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंस, जैसे कि 2 कलर्स डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको ब्लेंड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये ब्रश। ये देख लीजिए इस तरह से दिखता है। अब फोर्थ जो कि लास्ट हमारे इसमें होना चाहिए आई शेडो वैरायटी में, ये देख लीजिए। और ये ब्रश देख लीजिए, ये हाईलाइटिंग करने के लिए होता है। चाहे आप यहाँ पर आइज़ के पास हाईलाइट कर सकते हैं इसी यहाँ पर से, ये हाईलाइटिंग पॉइंट के लिए ये ब्रश है। आप चाहे तो इसे टोटल ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से इसकी हेयर्स होते हैं। और ये जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू, ये जो चार ब्रशेस है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आइज़ के शेप के ऊपर ये बना सोच कर बना है। जैसे कि किसी के स्मॉल आइज़ है, किसी के हुडेड आइज़ है, किसी के डीप आइज़ है, किसी के बिग साइज़ आइज़ जो ये लटकाया जाता है, किसी का बिग साइज़ है, तो उसके लिए भी ये सोच कर ये 4 ब्रशेस बनाए हैं। और ये 4 ब्रशेस बहुत ही अमेजिंग है
और इसके जो ब्लेंडिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए मैं आपको डेमो बताती हूँ, तो चलते हैं डेमो। फर्स्टली मैं यहाँ पर इस तरह का स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और मैं यहाँ पर क्रीज लाइन क्रिएट करने के लिए ये लाइट शेड जो है मैंने इसे पिक कर रखी हूँ। बस आपको इस तरह से क्रीज लाइन क्रिएट करनी होगी। तो आप देख ले सकते हैं कि ये इसमें कितना डिफरेंस है, ये इसमें कितना, और ये जो इसकी ब्लेंडिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही स्मूथ है। और मैं बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट करने वाली हूँ, कुछ ज़्यादा और लुक वाला क्रिएट नहीं करने वाली हूँ। और ये जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट ये पिकअप करता है ये ब्रश। तो ये देख लीजिए दोनों तरफ मैंने क्रीज लाइन क्रिएट की है। अब नेक्स्ट मैं आईशैडो अप्लाई करने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरह से एंगल्ड फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिस गोल्ड का आईशैडो पैलेट, और इसका भी रिव्यू मैंने दे रखा है अपने चैनल पर, आप वहाँ पर जाके इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो अब इसमें से मैं एक शेड पिक करूँगी जो कि बहुत ही लाइट रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ, ये देख लीजिए ये वाला गोल्डन कलर जो दिख रहा है आपको, ये गोल्डन कलर मैं पिक करूंगी और अपने आईज पर अप्लाई कर लूंगी। इसकी ब्लेंडिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है और ये जो प्रोडक्ट है हमें जितना चाहिए उतना ही पिकअप करता है ब्रश ये। और आप देख ले सकते हैं इस तरह का मेरा मेकअप। इसका मेकअप मैं बहुत ही सिंपल रखना चाहती क्योंकि मैंने लिपस्टिक डार्क लगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो आई मेकअप है बहुत ही न्यूट कलर का होना चाहिए। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पिंक, लाइट पिंक कलर। और अब उस पिंक कलर को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से एंगल्ड वी शेप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल्ड बना हुआ है, ये एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। और यहाँ से मैं जो लाइट कलर पिक करने वाली हूँ आप देख ले सकते हैं टोटल, तो मैं ये वाला लाइट कलर पिक कर रही हूँ आप देख ले सकते हैं। आई मेकअप हो चुका है। अब टोटल परफेक्ट ब्लेंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश। और अब इसमें मैं पिकअप कर लूँगी जो मैंने फर्स्टली लिया था लाइट गोल्डन कलर, तो वही मैं पिकअप करूँगी। अब इसे टोटली ब्लेंड कर लेते हैं। तो आप देख ले सकते हैं मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कौन सा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। मुझे सिंपल ही लुक क्रिएट करना था, मैंने सिंपल सा ही लुक क्रिएट किया। आप चाहे कौन सा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और ये जो 4 ब्रशेस है मैंने इस आई लुक को क्रिएट किया है, थोड़े से ब्रशेस गंदे हो चुके हैं, इग्नोर कीजिएगा आप, इसे वॉश कर लूँगी। और इसके भी कि ब्रशेस को किस तरह से क्लीन करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही है ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे, और मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में दुआओं में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।